अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ बन की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, चीज़ी और जूसी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बंस की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन ऐड करें। प्याज को नर्म होने तक पकने दें। अब इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल करें और इसे सौते कर लें। अब इसमें 250 ग्राम बीफ कीमा शामिल करें और इसका कलर चेंज होने तक पकने दें। कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करें हस्ब ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून बेजल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और पानी खुश्क होने तक पकने दें। पानी खुश्क हो चुका है, अब चूल्हा बंद कर दें। बन की डो बनाने के लिए 500 ग्राम मैदा लें और 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा ऐड करें। अब 1 कप नीम गर्म पानी से डो बना लें। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी और ले सकते हैं। डो तैयार हो गई है। अब बाउल को घी या ऑयल से ग्रीस करें, इसमें डो रख दें। डो के ऊपर भी घी लगाएं। और कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए डो को रेस्ट दें। देखिए कितनी अच्छी डो राइस हुई है। डो की एयर निकाल लें। डो को मैट पर निकाल लें। जिस तरह मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह करें। अब डो को कट कर लें। नाइन्टी ग्राम का 1 पन वेट कर लें। अगर आपके पास वेट स्केल नहीं है तो आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। जिस तरह मैं पेड़े बना रही हूँ आप भी बना लें। पेड़ा लें और इसे साइड से फैला लें। बीच में से थोड़ा मोटा रखना है ताकि बन बनाने में ख़राब ना हो। मेरे स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखिए मैंने हाथों से साइड को पतला कर लिया है। अब इसमें बीफ फिलिंग ऐड करें और साथ ही मोज़रेला चीज़ भी ऐड करें। जिस तरह मैं बन को पैक कर रही हूँ आप भी इसी तरह पैक करें। बन पैक हो गया है, अब इसे बन की शेप दें। मैंने सारे बन तैयार कर लिए हैं। अब बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा लें और बन रख दें। बन पर घी लगाएं, आप एग या मिल्क भी लगा सकते हैं। बन के ऊपर सफ़ेद तेल ऐड करें। बन को प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट तक बेक करें। देखिए मज़ेदार से बीफ चीज़ी बन तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।